बाल गोपाल योजना का लोगो भी हमने तैयार किया है माननीय से पुनः अनुरोध इस लोगो के अनावरण के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, बजट घोषणा 2021 और 22 को पूरा करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज हम करवाने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और सिलाई के लिए 200 रूपए की राशि सीधे उनके खाते में उपलब्ध करवाई जाएगी। लगभग 68 लाख विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे और 510 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान से। यूनिफॉर्म वितरण के लिए माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे, इस वक्त हमने मुख्यमंत्री निवास पर कुछ विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित किया है। इन बच्चों को अपने कर कमरों से यूनिफॉर्म वितरण करें और इस योजना का शुभारंभ करें। इस क्रम में सबसे पहले गुरमीत से है, पिता सतवंत से है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुरा से बच्चा हमारे बीच है। माननीय से अनुरोध अपने कर कमलों से इसे यूनिफॉर्म का ये सौगात दें। और इसके बाद ऋषिकेश मीणा, पिता प्यार सिंह मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीस के जयपुर। युवराज सिंह, पिता ब्रजराज सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीस के जयपुर। हार्दिक बैरवा, पिता हरकेश बैरवा। छोटी है मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था यहाँ संचालित है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वर्क बुक, ये सारी योजनाएं सर से इन बच्चों को ये प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। यही हमने अभी स्क्रीन पर देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर्षे को लेकर चिंतित है, जिसमें विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महाविद्यालय जो बजट घोषणा के अंतर्गत जहां 500 से ज्यादा बालिकाएं, इस फोटो को जो है इसको सामने की तरफ कर लें, जो रैपर पे लगा हुआ है फोटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और राजस्थान सरकार की योजना का। आप फ्रेंड मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021 के तहत आज से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क गणवेश वितरण योजना का जो शुभारंभ किया है, इस अवसर पर अतिथि के रूप में मंच पर विराजे हुए माननीय हरिमोहन जी शर्मा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय जिला प्रमुख महोदय, माननीय नगर परिषद अध्यक्ष महोदया, प्रधान महोदया, पंचायत समिति भी, और यहाँ के SDMC के सभी मेंबर्स, और भमरशाह के रूप में महेश जी, छुटन जी भाई साहब, और सभी शिक्षक बंधु बहने और बहुत प्यारे बच्चों। और आज जो एक बहुत बड़ा तोहफा आपको मिला है, आज यूनिफॉर्म हमारे बच्चों को मिलेगी और एक अच्छा संदेश एकता समानता का,
समाज में मन लगाकर आप पढ़ेंगे, साथ में बच्चों को जो निशुल्क जो दूध वितरण बाल गोपाल योजना के तहत किया जाएगा, सप्ताह में दो बार बच्चों को 1 से 5 के लिए 15 ग्राम मिल्क और मिल्क पाउडर वाला दूध और 6 से 8 के लिए 20 ग्राम, इस तरह से सप्ताह में दो बार आप लोगों को ये दूध मिलेगा हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप नियमित रूप से स्कूल आए, नियमित रूप से पढ़ाई करें और जब अच्छे नंबर आप लाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो और भी ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। सरकार की जो मंशा है संवेदनशील प्रशासन, संवेदनशील गवर्नेंस देने की, इसके तहत ये काम किया गया है। बच्चों को दूध उपलब्ध करा के कैल्शियम विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया गया। साथ ही यूनिफॉर्म वितरित करके इन बच्चों में समानता का भाव, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, उसको देखते हुए ये योजना लागू की गई है। और आज बूंदी में भी इसका उद्घाटन हुआ है, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हुए, मैंने भी दूध को चखा है, बहुत स्वादिष्ट और गुणवत्ता। क्या कहना चाहेंगे जो सर अब बच्चों को दूध मिलेगा स्कूल में? बहुत अच्छा है, काश हमारे टाइम में भी ये योजना होती।